जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका हॉस्ट मलिक नदीम शाहिद, मुलाकात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे दरमियान एक ऐसी खूबसूरत आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत कम अरसा में स्टेज की दुनिया में नाम बनाया, आज उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी फ़नी ज़िंदगी के बारे में, उनके स्टेज के हवाले से आज दिलचस्प सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहपारा जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ रेड न्यूज़ चैनल की, मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए, अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, थैंक यू सो मच आपका, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। थैंक यू सो मच। और अब बताइए कि आप कितना अरसा इस फील्ड से वाबस्ता हैं? मुझे 6 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। 6 साल में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मर्स, और आपने तो बड़े बड़े आर्टिस्टों को पीछे छोड़ दिया, ऐसा क्या राज है आपके पास? मेहनत है और क्या राज होगा, मेहनत है, लगन है, नीयत है, बहुत अच्छी है, प्यार है अपने काम से, और तो कोई बात नहीं। मेहनत के पीछे एक उस्ताद होता है या एक बड़ा हाथ होता है, आपके पीछे किसका हाथ है? मेरी मेहनत के पीछे मेरी सिस्टर्स का हाथ है, जरी बाबरा का, और फिर मेरी मेहनत का जो मैंने की है। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि स्टेज की दुनिया में ये बल्कि 4 स्टार हैं, 3 स्टार तो अब चल रहे हैं, और इनकी बहन है सबसे पहले सोनिया मलिक, उन्होंने आगाज़ किया, उसके बाद जरी ने, फिर उसके बाद बाबरा जी ने, और उसके बाद शाहपारा ने, लेकिन सबसे ज़्यादा पब्लिक को जो लाइक किया गया ना पब्लिक में, वो शाहपारा को किया गया, इसके पीछे क्या राज था वो ये खुद ही बताती हैं। पता क्या, हम परफॉर्मेंस अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि लोग लाइक करें, पसंद करें, असल में जजमेंट करना पब्लिक के हाथ होता है, हमने मेहनत करनी होती है, थैंक यू सो मच अगर वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर मेरी परफॉर्मेंस को इतना अप्रिशिएट करते हैं, उनकी मेहरबानी है, मैं बहुत खुश शुक्रगुजार हूँ उनकी, लेकिन इसमें ये बात बिल्कुल भी नहीं है क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये उनका प्यार है, उनकी मेहरबानी है, मैं खुश हूँ इस बात से। आजकल आप अखबार की जीनत, न्यूज़ की जीनत बहुत ज़्यादा बने हुए, क्या वजह है? पता नहीं है ऐसी कौन सी बात है, बस ये तो फील्ड है ना, फील्ड में तो फिर ये सब कुछ चलता ही चलता है, छोटी बात हो बड़ी बात हो बात मिलनी चाहिए जी, लेकिन फिर भी कुछ क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपके ही पीछे पड़े हुए हैं, कुछ अनासर जो हैं? कहते हैं ना कि असल में होता है ये कि अच्छा होता है कि वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, जब पास आते हैं तो कान फट जाते हैं, तो ये अच्छा होता है कि जो आर्टिस्ट है ना वो स्टेज पे ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में आए, और उनके साथ हर बंदे का दिल करता है, लेकिन हर किसी के साथ इंसान एक जैसा नहीं रह सकता है, ठीक है, तो वो पब्लिक वाली और वो आर्टिस्ट वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर हम हर किसी को ही मिल जाएंगे, बस इस बात की वजह से फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, तो ये प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं है। और स्टेज में अक्सर आपकी नोकझोंक होती है पब्लिक के दरमियान और आपके दरमियान, ऐसा है? हाँ ऐसा होता है, असल में ना पब्लिक जो है ना, हमारी कोशिश होती है हम उनको मनाएं, उनको परफॉर्म इतना अच्छा करके दिखाएं कि वो माने, हमें अप्रिशिएट करें, दिल जान से ये कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग बीच में ऐसे होते हैं जो लाइक नहीं करते, और मतलब थोड़ा सा ना डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता, तो फिर कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है समझाने का आपका ये तरीक़ेकार है, फिर पब्लिक की जीनत तो होती है पहले आप, फिर मीडिया की जीनत भी बन जाती है बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारा ऐसा इरादा नहीं होता, लाइव काम है ना, लाइव काम में कुछ भी हो सकता है, तो वो सडनली कुछ भी अब्रप्ट मुंह से निकल जाए, और उसके रिएक्ट कंट्रोल से करना ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इंसान हमेशा ही उसका रिएक्ट नॉर्मल नहीं दे पाता, वो कभी कभी हो सकता है वो पीछे से डिस्टर्ब हो अपने कुछ मैटर्स में, तो नहीं भी फिर गुस्सा आ भी जाता है, इंसान है जाहिर है, अगर पब्लिक देखने वाले को गुस्सा आ सकता है तो करने वाले को नहीं आ सकता, यार इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे से याद आया कि जरी लाल आप बता रही थी कि मेरे वो उस्ताद हैं और आपने उनसे ये डांस सीखा, तो वो आपसे बड़ी हैं, आप उनसे छोटी हैं, और आपको थोड़ा अरसा ही हुआ इस फील्ड में आए हुए, तो आपका पब्लिक में इतना ज़्यादा लगाव और खिंचाव कैसे है, अपनी क्या कशिश है आपकी? ये वही जानते हैं, वो इतना प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन मेरी तो यही होती है कोशिश कि मैं उनको मनाऊं, उनको मेरा काम पसंद है, उनको आता है, थैंक यू, उनकी थैंकफुल हूँ उनकी बहुत ज़्यादा, और इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। अपना फ्यूचर कैसा देख रही हैं इस वक्त आप?
जैसे रिस्पांस मिल रहा है आपको? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। कोशिश कर रही हूँ कि जैसे माशाल्लाह हमारी नामवर आर्टिस्ट हैं, फनकारा हैं, उनके जैसे कहीं हमारा भी नाम बन जाएगा, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, कहीं तो अल्लाह पाक जो है हमारा भी बाजू पकड़ेंगे और हमें भी उस मुकाम पे लेके जाएंगे। उसी मुकाम में जाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं ताकि सुन लें अल्लाह पाक हमारी भी। और बात करनी है जी, जहाँ तक मेहनत की बात है, मेहनत का फल तो आपको मिल रहा है, ये नज़र भी आ रहा है। आज पब्लिक हाउसफुल था, आज इतनी शदीद गर्मी के बावजूद पब्लिक में यकीन आपको देखने के लिए आई। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही उनका प्यार है। और गुजरांवाला है, बहुत अच्छा शहर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है ये लोग आ रही हैं, सब जैसे कहते हैं ना, रौनक आ जाती है, ठाठी मारता समुंदर की लहरों की तरह। इस तरह बिल्कुल ऐसे ही, और इतना प्यार मिलता है, वो जब आते हैं और हमारी एंट्री होती है उनका प्यार उसमें नज़र आता है, तो फिर हमारा भी बनता है ना उनको उतना ज़्यादा प्यार हमें भी करके दिखाना चाहिए, उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए। अच्छा चलो, ये तो आपकी स्टेज दुनिया की बातें थी। और आप अपने घर वालों को टाइम कितना देते हैं, क्या मसरूफियत होती है घर में, आप क्या खाना शौक से बना लेती हैं? बनाना सब कुछ आता है लेकिन मैं किसी को बना के नहीं देती। वो क्यों जी? क्योंकि असल में घर में बना लेते हैं सब सिस्टर वगैरह, क्योंकि हमें किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं है। वैसे मैं बना खुद भी बहुत अच्छा लेती हूँ, आता सब कुछ है लेकिन वो बना नहीं पाते, जाहिर है काम वगैरह करना होता है तो ड्रेसिंग ये वो सब कुछ, अपने आप को फिट रखना ये वो सब, इन चीज़ों में मसरूफ़ रहना, इसीलिए घर को ज़्यादा नहीं तरजीह दे पाते। फिट से याद है, फिटनेस से मुझे याद है, वाकई जी आप माशा बहुत स्लिम है, स्मार्ट है। ये नाज़रीन पसंद करेंगे पूछना कि आज आपकी फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का, अब तो मैं थोड़ी सी हेल्दी होगी, सब मुझे बोल रहे हैं। असल में ये लॉकडाउन की मेहरबानी हुई है इस फिगर में, क्योंकि लॉकडाउन में और एक मेरी बैक प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैंने काम छोड़ दिया था। तो फिर मैंने क्या प्रॉब्लम आ गई थी? मेरे बैक में इशू आ गए थे, मतलब मोहरों का मसला मुझे हो गया था, तो मैं बैठ गई थी फिर घर। फिर मैंने प्रॉपर मेडिसिन ली, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ किया, तो फिर जाके मैं ठीक हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं वैसे की वैसे हूँ, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट पड़ गया क्योंकि वो घर में बैठ बैठ फील नहीं होता। अच्छा चले, ये तो सबसे अच्छी। अच्छा ये आर्टिस्टों के साथ बहुत ज़्यादा क्राइसिस, ये कोरोना वायरस आ गया और इस कोरोना वायरस का तकरीबन ये अराउंड अबाउट 2 साल से ये इशू चल रहा है, लेकिन ये साल तो आर्टिस्टों के लिए तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस लेके आया। कुछ लोगों तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए, कुछ लोग मुफलिस की ज़िंदगी, कुछ आगे हाथ फैलाने से भी मजबूर। तो आपका वक्त कैसा गुजरा है? असल में हमारा वक्त ये, हम कोरोना को थैंक यू भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं, इसलिए कि फैमिलीज जो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाती थी। हमारा तो ये हुआ कि हम ज़्यादा टाइम, ईद होती थी तो ईद पे हम साथ नहीं होते थे, हमें काम पे जाना होता था, बच्चे होते थे कि यार काश हम लोग साथ में होते, तो वो साथ में रहना शुरू हो गए, टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लग गए। बहुत अच्छा भी वक्त आया हम पे, ये नहीं कि बुरा ही था। हाँ लेकिन जब ये काम, जाहिर है काम है तो सब कुछ है, घर भी चलते हैं, सारे मामला होते हैं, लेकिन बस ये प्रॉब्लम ज़रूर हुई काम की, लेकिन अल्लाह ने वादा किया है कि खाली पेट नहीं मैं अपना बंदा सुलाऊंगा, पेट भर के ही सोता है, ठीक है, अल्लाह पाक ने रिजक लिखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम हुई लेकिन इतनी नहीं हुई, खाया पिया अच्छे से वक्त गुजरा, ठीक है। लेकिन मैं ये पब्लिक को बोलूँगी कि ये बहुत ही बला है, बहुत सख्त बला है, ख्याल करें इस कोविड का, मास्क पहन के रखें, अपने प्यारों का ख्याल करें, आपके जान से जो बहुत अजीज़ छोटे बच्चे हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी इस चीज़ का करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ रहना, ज़िंदगी गुजारनी है, तंदुरुस्ती है तो हंसी भी है, मजाक भी है और वक्त भी है, सब कुछ है। अच्छा आपकी ये दो बातों से मुझे एक चीज़ें नज़र आई, एक आप बच्चे का जिक्र किया, एक आपने प्यार का जिक्र किया, ये दोनों बच्चे कौन से प्यार कैसे? बच्चे जो सिस्टर्स के बच्चे होते हैं वो अपने ही लगते हैं, तो उनसे प्यार होता है। और मेरी सिस्टर की, मैं शायद पब्लिक ये जानना चाहे कि आशा पर शादी कर ली है? नहीं, जब मैं शादी करूंगी तो सबसे पहले मैं आपको बुलाऊंगी ताकि आप सबको बताना कि शादी, और शादी छुप के थोड़ी ना की जाती है। सारी बात मीडिया वाले से तो छुप नहीं सकती, कोई बात ऐसे बात निकली तो ऐसे हवा की तरह। तो मैं चाहती हूँ जब मेरी शादी हो पूरे मीडिया को पता चले, पूरी दुनिया को पता चले। और ये वैसे भी जो लोग इस बात को कहते हैं शादी को छुपाना या इस चीज़ को छुपाना, ये अच्छी बात नहीं है। असल में होता है ये, शायद लड़की शादी कर ले तो पब्लिक खुश हो, दुआ करे, जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपके लिए दुआ ज़रूर करेंगे, और जो प्यार नहीं करते ना वो हो सकता है कि वो बुरा मनाएं, उनको अच्छा ना लगे, लेकिन
असल में ये अच्छा होता है यार, सबने शादी करनी है एक दिन तो मुकर्रर है, जैसे तौबा नौज़बिल्लाह मौत का वक्त मुकर्रर, शादी का वक्त भी है, फ्यूचर है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होता है, सब कुछ होता है, ये जरूरी होती है चीजें, ये होनी होती है और ये कोई रिएक्ट करने वाली बात नहीं होती। हाँ, अगर पता चले तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करें। जी नसीब तो माशाल्लाह आपके नज़र आ रहे हैं हमें कि बहुत ज़बरदस्त ही बैलेंस गुड जी। और अपनी इस लाइफ में कभी कोई हसद हुआ या किया कोई ऐसा माइंड में बात? ना ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। ये मैंने अपनी सिस्टर्स की तरफ से सीखा है कि बेटा जब भी मनवाओ अपने काम से मनवाओ, पहले क्या बाद में क्या, तो जो टाइम है आपका उसको देखो कि उस टाइम पर क्या करना है, वो फिर फैसला खुद ही हो जाता है हर चीज़ का। ठीक है, तो हसद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस फील्ड में, होती है, बहुत होती है, लेकिन मुझे इस चीज़ को फेस नहीं करना पड़ा। फेस से याद आया, आप माशाल्लाह आपकी फेस ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त है, आपने स्टेज को ही सिर्फ इस वक्त अपना फोकस किया हुआ है, कभी टीवी या फिल्म या स्टेज वगैरह की तरफ कोई रुझान हुआ या कोई चांस मिला? चांस कहते हैं बोलते हैं, लेकिन हमारी थिएटर रूटीन अभी दोबारा से स्टार्ट हुई है, 2 साल बाद जाके ये ईद जो है हम लोग करने लगे हैं, तो इंशाल्लाह मैं करूँगी, वो भी साथ साथ ही करूँगी, लेकिन टाइम ज़रा बन जाए ना, तो आती हैं ऑफ़र्स, काफ़ी आती हैं, बोलते हैं वो लोग करने के लिए, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि ये कोरोना की वजह से थिएटर इतनी मुश्किल से ओपन हुए हैं, तो इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर। जी देखिए, इतनी देर के बाद दोबारा थिएटर्स ऑन हुए हैं और काफ़ी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आई हैं और कुछ लोगों के चेहरे बहुत ज़्यादा खिल उठे हैं, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है, बड़ी ईद, तो खुशियां भी साथ साथ, तो ये आप आर्ट्स काउंसिल को इसका थैंक्स करना चाहेंगे या वज़ीर आज़म को करना? जी जी जी, आर्ट काउंसिल तो जाहिर है वो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहना था, तो आर्ट काउंसिल ने भी कहना था ना आगे, तो दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, घरों के घर चल गए, रिजक चल गए। असल में एक्ट्रेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये खासतौर फीमेल्स एक्ट्रेस को ज़्यादा होती है, मेकअप ये वो इतना खर्चे, वो तो है, लेकिन लड़कों का भी बहुत इशू होता है, इन सब का होता है, ये सभी एक जैसे होते हैं। असल में ना कुछ लोग होते हैं मेहनत मजदूरी करने आते हैं, ठीक है, कुछ लोग सिर्फ अपना काम करने आते हैं, दिखाने आते हैं, बाकी उनका चल रहा होता है, लेकिन जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनका सिर्फ यही सहारा होता है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो थैंक यू सो मच आपका कि आपने थिएटर्स ओपन कर दिए और सबके रिजल्ट चल गए और सबके मामला घर के ठीक हो गए। जी हम जहाँ तक हमारी बात है मीडिया वालों की, तो मीडिया वालों ने तो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टों का साथ दिया, हमने भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, आपकी आवाज़ को उजागर किया और यहाँ तक कि फिर अब आकर यह अभी भी उम्मीद नहीं थी कि उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन ये मीडिया वालों का बहुत साथ है। क्या अब मीडिया वालों का और आर्टिस्ट का चोरी दमन का साथ है? जी बिल्कुल, ये मीडिया वाले बहुत, ये सबसे अच्छी चीज़ है, मीडिया वाले जो चीज़ हम नहीं पहुंचा सकते लोगों तक या लोग हम तक, वो जो है ना बहुत जल्दी पहुंच जाती है, जो जवाब चाहिए होते हैं कई लोगों को वो पहुंचाती है। मीडिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, कोई भी बात है ना अगर आप करना चाहते हो तो वो हर दुनिया के हर चैनल पे चल सकती है और ये बड़ी अच्छी बात है। दुनिया से मुझे याद है और चैनल से मुझे याद है, आजकल आप बिगो पे भी बहुत ज़्यादा इन हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बीगो बीगो ये फारग औकात, ये कोरोना में तो अब लगता है आप बीगो में जब देखे आप नजर आए। बीगो ने हमारा बहुत साथ दिया, सारी दुनिया जानती है, मेरे फैंस जानते हैं कि अगर हम घर रहे हैं ना तो सिर्फ बीगो ने हमारा साथ दिया। कहते हैं ना बुरे वक्त में जो साथ दे उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए और भूलना नहीं चाहिए, बुरे वक्त की आपकी बेहतरीन दोस्त है बीगो। बिल्कुल ऐसे ही है बीगो के फ्रेंड्स, हाँ बहुत बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, और बीगो बहुत अच्छी ऐप है, उसने मतलब है ऐप ही, लेकिन वो कहते हैं ना वसीला बनाता है रब, तो वो वसीला बनाया और बहुत ये अच्छा वसीला था जो कोरोना का टाइम आपने गुजारा है, गुजारा। तो आपने अल्लाह पाक की तरफ से ये एक खसूसी आपको गिफ्ट मिला। जी बिल्कुल, ऐसी कोई शक नहीं है, बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट किया सबने। जी थैंक यू सो मच आपका शाहपारा जी, ये तो हमारी शाहपारा जी जो स्टेज की बहुत मरूफ एक्टर है और आज मुलाकात प्रोग्राम में उन्होंने अपनी दिलचस्प बातों से आपको सराहा बताया आपको, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ नए मेहमान के साथ नई मुलाकात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।